हाय फ्रेंड्स, सुष्मिता कुकिंग ब्लॉग में स्वागत है आप लोग का। देखिए, हमने पालक का साग लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका पानी को हमने निकाल दिया है। साग को हम बारीक बारीक काट लेंगे। देखिए, इसी तरह से पूरे साग को हमने कट करना है। साग हमारा अच्छे से कट चुका है, इसके लिए हमने कुछ मसाले भी तैयार कर लिए हैं। हमने 1 केजी पालक लिया है। देखिए, 4 हरी मिर्च, 2 सूखी मिर्च, सूखी लाल मिर्च, 5 फोरन, लहसुन। पूरा साग हमारा कट चुका है। गैस के फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है, इस पर कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई देखिए हमारा गर्म हो गया। अब इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे। साग में तेल ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें 5 फोरन ऐड करेंगे। 5 फोरन अच्छे से चटक जाए तब इसमें कटी हुई लहसुन को ऐड कर देंगे। कटी हुई हरी मिर्च को ऐड कर देंगे। 2 सूखी लाल मिर्च रखे हैं, इसको भी ऐड करेंगे। जब अच्छे से ये भून जाए तब इसमें साग को ऐड कर देंगे। आवश्यकता अनुसार इसमें नमक को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। देखिए, कुछ सेकंड होने के बाद साग अच्छे से पानी छोड़ चुका है। अब इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे और फिर से कवर कर देंगे। अच्छे से करछी की सहायता से इसको दबाते रहेंगे जिससे ये अच्छे से गल जाए। अब इसको खुले हुए पकाएंगे जिससे इसका पानी अच्छे से सूख जाए। देखिए, पानी इसका सूख चुका है। हमने सर्व कर लिया है। कितनी टेस्टी साग बनी।